राजधानी जयपुर के फागी कस्बे के गांव चांदावास में लोग खौफ के साए में हैं, क्योंकि गांव से महज 200 मीटर की दूरी पर एक एलपीजी सिलेंडर का गोदाम है। इतना ही नहीं, गैस गोदाम से महज 100 मीटर की दूरी पर एक ईंट भट्टा भी संचालित हो रहा है। ऐसे में आबादी क्षेत्रों के नजदीक बना गैस सिलेंडर का गोदाम भविष्य में बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि ईंट भट्टे से 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल भी संचालित है, जहाँ नन्हे मासूम अपना भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनको बच्चों की जान की शायद फिक्र नहीं। वहीं जब ये मामला एसडीएम के सामने उठाया गया तो एसडीएम ने रटा रटाया जवाब इस पर दिया। कहा, मामले की जानकारी मिली है, जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों का इस पर कहना है कि गांव के नजदीक बने गैस गोदाम से मिलने वाली सुविधा के लिए वो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से इस गोदाम को आबादी क्षेत्र से दूर बनाने की मांग की है। देख करके आप रिपोर्ट पेश कर दो, या तो ईंट भट्टा बंद करवाएं या गैस एजेंसी बंद करवाएं। कितने मीटर की दूरी है, कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो एक रिपोर्ट पेश करें। जैसे रिपोर्ट आएगी हम उचित कार्रवाई करेंगे। खुद समझ सकते हैं, सुरक्षा संबंधी समस्या है और सीधा सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। कि यूँ समझ लीजिए कि गैस गोदाम नहीं, हम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। आप अगर बगल में देखे हैं तो 400 के करीब लेबर जो मात्र 50 फुट की दूरी पे यहाँ काम करती है, क्या ये ठीक है? दूसरा, अगर आप देखें तो भट्टा बिल्कुल चालू है। जब इनको एजेंसी लगानी थी तो भट्टे को बिल्कुल दरकिनार करते हुए न जाने कैसे इन्होंने ये एनओसी प्राप्त की, ये तो भगवान जाने। उसके अलावा यहाँ सिलेंडर रात को दिन में आते रहते हैं, लोड होते रहते हैं, लीकेज की संभावना देखिए अक्सर होती ही है।